बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे बकरी स्पेशल मटन जलफरेजी। इस वीडियो को पूरा देखिए, अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए इसे अब हम फटाफट बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए मैं यहाँ पे 1 किलो बकरे का गोश्त ले रही हूँ। सबसे पहले गैस पे कुकर रख लेंगे। इसके अंदर मैं यहाँ पे 1/3 कप तेल डाल रही हूँ। मैं यहाँ पे 2 स्लाइसेस में कटी हुई प्याज ले रही हूँ। इसको तेल में डालकर अच्छे से गोल्डन फ्राई कर लेंगे। अब प्याज हमारी अच्छे से सुनहरी हो चुकी है, इसको थोड़ा साइड में कर लेंगे। पे 1 टीस्पून जीरा डाल रही हूँ। जीरे को अच्छी तरीके से भून लेंगे। 2 हरी मिर्चें, इसको हम तोड़ कर डालेंगे। इसको भी अच्छे से भून लेंगे। अब इसके अंदर 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का मसाला डाल रही हूँ। 2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी, नमक टेस्ट के हिसाब से और थोड़ा सा पानी डालकर अच्छे से भून लेंगे इन सबको। अब इसमें मटन को डाल देंगे। इन सबको अच्छी तरीके से भून लेंगे। अब हमारा गोश्त अच्छी तरीके से भुन चुका है, देखिए तेल भी छोड़ चुका है। अब हम कुकर को बंद कर देंगे। बंद करके 3 से 4 सीटी लगा लेंगे। चार सीटी आ चुकी हैं, गैस ऑफ कर देंगे और कुकर को थोड़ा ठंडा कर लेंगे। अब हमारा कुकर अच्छे से ठंडा हो चुका है। ये देखिए, अब दोबारा से गैस ऑन कर लेंगे। अब इसके अंदर 1 टीस्पून कुटी काली मिर्च डाल रही हूँ, 1 टीस्पून कुटा भुना जीरा, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला। अब इन सबको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब इसके अंदर मैं 1/4 कप टमाटो केचप डाल रही हूँ, 1 टेबलस्पून रेड चिली सॉस, 1/2 टेबलस्पून सोया सॉस। अब आंच को धीमी कर देंगे। अब इसके अंदर 1/3 कप मैं दही डाल रही हूँ। दही डालने के बाद इसको हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे। अब ये अच्छी तरीके से मिक्स हो चुका है, आंच को बढ़ा देंगे। अब इसके अंदर 1 कप पानी डाल रही हूँ। पानी डालने के बाद अच्छे से मिक्स करके एक उबाल आने तक पका लेंगे। इसी तरह से ढक देंगे, सीटी नहीं लगाएंगे, सिर्फ ऐसे ही ढक देंगे। देखिए अब हमारे गोश्त में अच्छे से उबाल आ चुका है। अब गैस ऑफ कर देंगे। कुकर को हम नीचे ले लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गैस पे एक दूसरा पैन रख देंगे। इसके अंदर मैं यहाँ पे 2 टेबलस्पून तेल डाल रही हूँ। अब तेल गर्म हो चुका है। इसके अंदर मैं यहाँ पे 1 कटी हुई प्याज को इस तरीके से डाइसेस में कट कर लिया है, तेल में डाल देंगे। डालकर इसको अच्छे से भून लेंगे।
पेस्ट थोड़ी हल्की गुलाबी हो चुकी है। एक कैप्सिकम को इस तरीके से मैंने डाइसेस में कट कर लिया है, मिला देंगे। अब ये भी हो चुका है। अब मैं यहाँ पे दो टमाटर ले रही हूँ, इसको भी मैंने डाइसेस में कट कर लिया है। और एक चुटकी नमक डाल देंगे। नमक डालने के बाद रखें, इसको भी भून लेंगे तेज आंच में। इसको अच्छी तरीके से टॉस कर लेंगे। इन सब्जियों को ज़्यादा गलाना नहीं चाहिए, इस तरीके से टॉस कर लेंगे एक दो मिनट के लिए। अभी अच्छी तरीके से टॉस हो चुकी हैं। गैस ऑफ करके गोश्त के कुकर में डाल देंगे। डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी हमारा मटन जलफरेजी बनकर तैयार हो चुका है। इसको अब हम डिश आउट कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारा बकरीद स्पेशल मटन जलफरेजी बनकर तैयार हो चुका है। फ्रेंड्स, आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अल्लाह हाफिज़।